दोस्तों आजकल गर्मियां चल रही है और गर्मियों के टाइम में सुबह उठते ही गैस बननी शुरू हो जाती है और गैस इतनी बन जाती है कि हमें खाना खाने को मन ही नहीं करता, बिल्कुल खाना खाने को मन नहीं करता। कई लोग ऐसे होते हैं कि अनमने मन से खाना खाते हैं, खाना खाना उनकी एक मजबूरी बन जाता है। दोस्तों मजबूरी नहीं होनी चाहिए, खाना ही हमारा जीवन है और इसको इस प्रकार खाइए कि हमारे शरीर में बल वीर्य की वृद्धि हो, खुश होके खाना चाहिए। लेकिन इस गर्मी की वजह से बहुत से लोग ऐसे परेशान रहते हैं जिनको गर्मियों में भूख नहीं लगती और उनके गैस बन जाती है, कब्ज रहती है, एसिडिटी बन जाती है उनके। बस मैं जो नुस्खा बता रहा हूं, एक नहीं आपको तीन चार नुस्खे बताऊंगा, आप उनमें से कोई एक नुस्खा कर लेवे और फिर देखिए आपके कमाल के किस प्रकार आपको ये नुस्खा भूख की तरफ, आप दौड़ पड़ोगे, जैसे ही आपके खाना टेबल पर आया कि आप टूट पड़ोगे उस खाने पे, दुश्मन पे, और खाने पे जो टूट पड़ता है वो लंबी आयु और सुखद जीवन जीता है। तो खाने पे आप टूट पड़ोगे, मैं जो नुस्खे बता रहा हूं उन नुस्खों को आप गांठ बांध लो। पहली चीज, आप काली मिर्च 50 ग्राम काली मिर्च का आप पाउडर बना लो, 50 ग्राम काली मिर्च का आप पाउडर बना लो। अब उसमें से आपको क्या करना है कि आधा चम्मच पाउडर आपको चाहे तो फक्की मार के ऊपर से पानी पी लो, अगर ऐसा अच्छा नहीं लगे तो थोड़ी मिश्री घोलकर पानी में और उसमें डाल के वो पी लो। अगर ऐसा भी आपको ठीक नहीं लगे तो आप लस्सी जो होती है, छाछ जिसको बोलते हैं, लस्सी मठा बोलते हैं, उसके अंदर आधा चम्मच डाल के और आप उसको सुबह सुबह पी लो। देखिए 7 दिन करेंगे इतने में आपको टूट के भूख लगने लग जाएगी, आपको टूट के भूख लगने लग जाएगी। दूसरा नुस्खा आपको बता रहा हूं, धनिया पाउडर होता है ना दोस्तों, ये धनिया पाउडर बहुत ही अच्छी चीज होती है। आपको क्या करना है, साबुत धनिया लेना है, बाजार से जो पाउडर आता है उसमें बहुत सी गंदगी मिक्स करके वो बेचते हैं, आप कभी भी देख लेना, पिसा हुआ धनिया आपको सस्ता मिल जाएगा लेकिन साबुत धनिया आपको महंगा मिलेगा, क्योंकि साबुत धनिया में मिलावट नहीं होती। तो आपको साबुत धनिया लाना है, साबुत धनिया लाके उसको घर पे ग्राइंड करके पीसना है। आपको क्या करना है कि आपको 1 चम्मच धनिया पाउडर लेना है और उसको कुछ देर के लिए भिगो देना है और उसमें आपको क्या करना है, 4-5 छोटी इलायची, जो हरी इलायची हम चाय आदि में डालते हैं, वो 3-4 हरी इलायची लेकर उसको रगड़ के वो भी साथ में डाल देना है धनिया के। थोड़ी देर भीगने के बाद में आप उसको पी जाओ या आप उसको चबा चबा के खा लो अच्छी तरह से। अगर ऐसे अच्छा नहीं लगता तो दूसरा तरीका है कि आपको क्या करना है कि 1 चम्मच आपको धनिया पाउडर लेना है, उसमें इलायची लेनी है और 1 चम्मच आपको देसी घी लेना है। तीनों चीजों को मिला के आप उसको चाट लेंगे। दोस्तों गजब का नुस्खा है ये, आपको हैरानी होगी कि तीसरे दिन ही आप देखोगे कि आपके पेट की गैस भाग गई है और आपको खुल के भूख लगने लग गई है, आपकी रुचि होने लग गई है भूख में कि कब मुझे भोजन मिले, ये आपके मन में आने लग जाएगी। बहुत ही अच्छा नुस्खा है। दोस्तों आपको और बताता हूं कि आपको क्या करना है कि 50 ग्राम सौंफ ले लेनी है और उसको नींबू के रस में गीला कर लो, इतना गीला कर लो कि एकदम सौंफ भीग जाए।
आपको इतना गीला करना है कि सौंफ भीग जाए, उसको ढक के छोड़ दो, किसी कपड़े से ढकना है और किसी कांच के बाउल में ये करना है, धातु के बाउल में नहीं करना। तो कांच के बाउल में ढक के रख दो, रात भर में ही वो सौंफ सारा का सारा नींबू जो है वो अपने अंदर सोख लेगी। अब आपको क्या करना है कि इसको आपने जब ये वापस छाया में सुखा लेना है, जब वो नींबू का रस पूरा सोख लेगी सौंफ, तो इसको छाया में सुखा लेना है। जब पूरी सूख जाए तो इसको ग्राइंड करके आप एकदम पाउडर बना लेना है। दोस्तों आप इस पाउडर को आधा चम्मच फक्की मार के ऊपर से पानी पी लेना। आपको खुल के भूख लगेगी, इतनी गजब की भूख लगेगी कि आप हैरान हो जाओगे। गैस खत्म हो जाएगी, एसिडिटी खत्म हो जाएगी, कब्ज आपके रहेगी नहीं, ये तीन चीज नहीं रहेगी तो भूख आपको खुल के लगेगी। मेरा ये नुस्खा लोग लिखते हैं कागज पे और मैं कहता हूँ अपने दिमाग में ये नुस्खे लिख लो, आपको पूरे उम्र भर काम देंगे और आगे भी अपनी आने वाली पीढ़ी को भी ये बताएंगे आप। तो दोस्तों मेरे इन नुस्खों में से एक नुस्खा आप जरूर करके देखना। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।